आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रोम ब्राउजर में YT स्टूडियो कैसे ओपन करेंगे, यानी कैसे चलाएंगे। बहुत कोई आपको पता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखें, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। अभी देख सकते हैं, जैसे मेरे में अभी यहाँ पे मैं केवल यहाँ पर सर्च बार में एस टाइप करूँगा और एस टाइप करूँगा तो मेरा क्रोम YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एस टाइप किया और मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर आपका भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखें। तो जैसे मैंने यहाँ पर एस टाइप किया और यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ तो मेरा यहाँ पर देखेंगे YT स्टूडियो इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से आ गया है। अब आपको क्या करना है, 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे, आपका जो YT स्टूडियो है वो क्रोम में यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं, मेरे में ओपन हो चुका है और ये मेरा YT स्टूडियो है। और सबसे ऊपर में यहाँ पे देखें, इस पर जब टिक करेंगे यानी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो चैनल का जो डैशबोर्ड होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना चैनल का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और उसी के नीचे यहाँ पे देखें, वीडियो का एक ऑप्शन है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपके चैनल पे जितने वीडियोज है वो यहाँ पे आएगा। अब आपको जो भी सेटिंग करना है, एडिटिंग करना है, टैग लगाना है, सब इसी में आप लगा सकते हैं। उसके नीचे आप चैनल का एनालिटिक्स देख सकते हैं कि कितना व्यूज आ रहा है, आखिरी 28 दिन में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टोटल चीज़ आप यहां से देख सकते हैं। तो यहां पे देखें, जूम करके मैं दिखाता हूं, ओवरव्यू, कंटेंट, ऑडियंस, रेवेन्यू, सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप कैसे यहां पे इस तरह से लाएंगे। तो आपके अगर आप फर्स्ट टाइम है, आपको नहीं पता है किस तरह से यहाँ पे इस तरह से आ जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप कैसे आप क्रोम ब्राउजर में YT स्टूडियो ओपन करेंगे। आप ध्यान से देखें, तो आपको क्या करना है, जो सर्च बार है यहाँ पे आपको टाइप करना है YouTube स्टूडियो। जैसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ YouTube स्टूडियो। आपको इस तरह से आपको YouTube स्टूडियो टाइप करके सर्च करना है। सर्च करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें, एक ऑप्शन आ चुका है www.youtube.com और डैशबोर्ड, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से ओपन हो चुका है। अब आपको 3 डॉट है, इस पे क्लिक करना है और यहीं से आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे ही डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे, आपका YT स्टूडियो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं, मेरे में यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब जो भी आपको इसमें चेंजेस करना है, टैग लगाना है, जो भी करना है आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें 3 डॉट है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एड टू होम स्क्रीन, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ एड टू होम स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद इसे ऐड करेंगे तो आपका जो मोबाइल का जो होम स्क्रीन है उसमें ऐड हो जाएगा, शॉर्टकट में ऐड हो जाएगा। अब आपको यहाँ से ऐड ऑटोमेटिकली है, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपका क्या है कि आपका मोबाइल का जो होम स्क्रीन है उसमें देखें यहाँ पर YT स्टूडियो का जो ये लोगो है ये यहाँ पे आ चुका है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। और आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे आपका YT स्टूडियो क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। और जो भी आपको एडिटिंग करना है, टैग लगाना है, थंबनेल लगाना है और जो भी यहाँ पर अपना एनालिटिक्स देखना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, सेटिंग करना है। आई होप आपको मालूम चल गया किस तरह से क्रोम ब्राउजर में YT स्टूडियो को ओपन करेंगे।